नेशनल हाईवे 56 जो डबरा पारा से नेहरू नगर चौक होकर गुजरती है, इसकी फ्लाईओवर का कार्य चल रहा है, जिससे नीचे की रोड भी खराब हो गई थी। अब जब कार्य अंतिम चरण में है, इसी बीच सुपेला चौक पर हाई मास्क लगाया गया है, जिसकी बिजली सप्लाई जोड़ते समय यहां बने गड्ढे से गुजरती पानी की पाइपलाइन को जेसीबी ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसमें से रिसाव हो रहा था। परंतु बुधवार को एक बार पुनः कार्य आरंभ करने के साथ यह पाइपलाइन फट गई। आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत भी की, परंतु इस पर ध्यान देने की जहमत किसी ने नहीं उठाई और पानी लगातार अभी भी बह रहा है। हमने भी अपनी जिम्मेदारी समझकर नगर पालिक निगम भिलाई को इसकी सूचना दी, परंतु सूचना मिलने के 2 घंटे तक भी वहां कोई नहीं पहुंचा और पानी बर्बाद होता रहा। सर, ये पहले क्या है, थोड़ा सा फटा था, लीक हो रहा था, काफ़ी दिन से फटा हुआ है ये पाइप, काफ़ी मतलब हफ्ता भर के ऊपर से मैंने देख रहा हूँ। डेली शाम को क्या होता है, जब पानी चालू होता है ना, तब ये मतलब यहाँ पानी लीकेज होना शुरू होता है। बट क्या है कि आज यहाँ पर जेसीबी की जो गाड़ी से कुछ काम चल रहा था, गड्ढा खुदाई का, तो उसके मतलब गड्ढा खोदने के उपरांत में फिर वो चीज़ वो खोदते हुए आपका मतलब पाइप फटा या कुछ भी, तो ये दो 1 से 1.5 घंटा हो गया काफ़ी जब ये पानी बह रहा है जब से, और निगम से अभी तक के कोई अभी अब तक नहीं आया है, और पानी ये बह रहा है। लोगों ने फ़ोन किया था, मेरे सामने ही फ़ोन किया था उन लोगों ने, मगर अभी तक के कोई वहाँ से कोई बंद करने वाला नहीं आया। लगभग कितनी देर हो गया इस बात? कम से कम 1.5 घंटा तो मान के चलिए हो गया है।